वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतसर में हुए हमले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतसर के राजा सांसी इलाके में हुए हमले में दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। निरंकारी आश्रम में यह हमला हुआ था जिसमें ग्रेनेड फेंका गया था। इस हमले में करीब 20 लोग घायल हुए थे, 3 लोगों की मौत हुई थी। राजा सांसी इलाका अमृतसर के पास का जहां निरंकारी आश्रम में यह हमला हुआ था और उसके बाद हमलावर फरार हो गए थे। इस हमले में 3 की मौत हुई थी, करीब 20 लोगों की घायल होने की खबर थी। इसमें दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संत निरंकारी आश्रम में ग्रेनेड हमला हुआ था। समागम के लिए आए हुए लोगों के बीच में ग्रेनेड फेंक कर ये लोग फरार हो गए थे। विपिन परमार ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, ताजा अपडेट से। देखिए राजीव, पंजाब पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी राजस्थानी बम धमाके में मिली है। एक और जो सस्पेक्ट था, जो आतंकी जो है अवतार सिंह, उसको पकड़ पाने में पंजाब पुलिस जो है वो सफल हुई है। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था अमृतसर के राजस्थानी इलाके में निरंकारी डेरा पर बम धमाका करने के बाद जो है ये दोनों आरोपी बाइक पर जो है फरार हुए थे। इससे पहले भी पंजाब पुलिस जो है एक आरोपी को पकड़ चुकी है और अब जो है दूसरे आतंकी अवतार सिंह को जो है पकड़ा गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। और जाहिर सी बात है कि जब इन्वेस्टिगेशन जांच आगे बढ़ेगी, पूछताछ की जाएगी, तो कई और अहम खुलासे जो है इन दोनों से जो है वो पंजाब पुलिस को हासिल होंगे। जी विपिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विपिन परमार बता रहे थे कि अमृतसर हमले में दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है।